हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मसूर दाल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। एक कप साबुत मसूर दाल, एक प्याज, एक टमाटर बड़ा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा। सबसे पहले हम दाल बॉईल होने के लिए रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले दाल को दो तीन बार वॉश करना है अच्छे पानी से। सबसे पहले कुकर में दाल ले लेंगे। इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, प्याज डाल देंगे लंबे टुकड़ों में कटे हुए, और टमाटर हाफ डालेंगे। इसमें पानी डाल देंगे और इसे दो सीटी होने तक बॉईल कर लेंगे। दाल देख लेते हैं बॉईल हो चुकी है क्या। दाल अच्छे तरह से बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे बनाएंगे। कढ़ाई मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को थोड़ा पका लेंगे। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम टमाटर मिला देंगे। टमाटर को ढक के पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। चेक कर लेंगे, टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें दाल को बॉईल करते समय हमने हल्दी और नमक डाला था, इसलिए अब 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें दाल मिक्स करेंगे। हाफ कप पानी डालेंगे। एक बॉईल आने तक ढक के पका लेंगे। दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मुझे दाल ठीक लग रही थी इसलिए मैंने 1/2 कप और पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से डालें। अब इसमें धनिया डालेंगे। हमारी दाल रेडी है, लेकिन इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें घी का तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में घी ले लेंगे। घी के गर्म होते ही हम इसमें हींग मिलाएंगे।
और इसमें हरी मिर्च कटी हुई, और इसमें हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर मिला देंगे। अब दाल में तड़का लगा देंगे। हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तैयार है टेस्टी मसूर दाल। इसे आप गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।